हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक नया केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसका कैसे ट्रीटमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये केस है डाउनर काओ सिंड्रोम, और डाउनर काओ सिंड्रोम का आखिरी स्टेज का केस है, और इस गाय का इलाज मेरे द्वारा ऑनलाइन किया गया है। इस गाय को मैंने टेलीफोन पे, मोबाइल पर ये वीडियो बनाकर किसी ने भेजी थी, और मैं उस आदमी से भी रूबरू बात कराऊंगा। ये गाय 26 दिन से बैठी थी, चारा भी नहीं खाती थी, और ये गर्दन तोड़े बैठी रहती थी। ये चमत्कार हुआ है सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर किसी ने मेरा चैनल देखा, चैनल देखने के बाद उसने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद उसने मेरे पास ये वीडियो बना के भेजी, मुझसे रिक्वेस्ट करी और मुझसे कहा कि सर, पूरे क्षेत्र के डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि ये गाय ठीक नहीं होगी। आखिरी उम्मीद लेकर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने ये वीडियो डाली है, इस पर आप कुछ दवा मुझे बताएं, मेरी गाय ठीक होनी चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर आप दवा बता देंगे तो मेरी गाय पूर्णतः ठीक हो जाएगी। तो अगर इस टाइप का पशु किसी का है, लास्ट स्टेज है, तो उसे कहीं ना कहीं से वो ट्राई करता है। ऐसे बहुत सारे पशुओं को, गायों की जान को बचाया गया है, टेलीफोन पे के माध्यम से बचाया गया है। बहुत सारे गाय भैंस पशुओं का इलाज, चूँकि टेलीफोन पे जो वीडियो आती है उससे बहुत हद तक पता चल जाता है इसको क्या बीमारी है। तो ये बीमारी में क्या है, पशु इसमें लेट गया है। आमतौर से डाउनर काओ सिंड्रोम में पशु चारा खाता रहता है, लेकिन ये चारा खाने वाली स्टेज से भी निकल गया है, बैठा है, सब नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्दन तोड़ दी है, गर्दन जैसी सीधी कर दो तो ये गाय लेट जाती है। इन सारी चीज़ों के बाद पशु का बचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें प्रयास किया और प्रयास हमारा सफल हो गया। ये देखिए, दूसरी वीडियो उसने बना के भेजी थी, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप एक एक करके चीज़ को देख लें। इसका ट्रीटमेंट मैं अगले वीडियो में पूरे में बताऊँगा कैसे कैसे क्या ट्रीटमेंट किया गया था। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसका रिजल्ट आप जो पशु मालिक है, ये गोरखपुर के कहीं के रहने वाले हैं, उनसे आप सुनेंगे। वो उसके गाय की वीडियो बना के भेजिए, बड़े खुश हैं, वो बताएंगे किस तरीके से गाय को ठीक किया गया। अब आपके सामने पशु मालिक। नमस्कार, मैं गोरखपुर के पास का निवासी हूँ, और ये हमारी गाय है जो बीमार थी, और ये 40/116 की गाय है उस ब्रीड की, और ये बच्चा दी थी इसको 30-32 लीटर दूध जो है उसका उतर गया था, कैल्शियम की कमी हो गई थी, और कई सारे डॉक्टरों से हमने परामर्श लिया तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है कि आपकी गाय नहीं बच पाएगी। फिर हमने डॉक्टर साहब उमर खान जी, जिनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साहब ने मेरी गाय को 26 दिन पे उनके ही परामर्श से, उनके बताए गए दवाओं से हमारी गाय आपके सामने खड़ी है। यह गाय बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती थी, इसकी पलटी करनी पड़ती थी, डाउनर काओ सिंड्रोम नाम की इसको एक बीमारी हो गई थी, और साहब ने ही बताया, और मैं बता रहा हूँ इस गाय को हमारे घर, हमारे अगल बगल और हमारे गांव, हमारे क्षेत्र जवाहर सारे लोग इसको जान गए, और साहब को भी सारे लोग जान गए, और साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों ने भी बहुत तारीफ की साहब की कि ऐसा है कि यह गाय उन्हीं की बदौलत है कि इसकी जान उन्होंने बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को,